हाँ देखिए बेटा, इसमें ओमेगा ऑफ लूप इज कांस्टेंट, सेमी सर्कुलर रिंग है बिल्कुल इस तरह की, ठीक है। और ये सही आ रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। और फिर ये आपकी इस, ये फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और इसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट ये हिंज है, ठीक है ना, सेंटर के अबाउट हिंज है यहाँ पर ये। तो ये पैर शुरू में ऐसे रखी हुई थी इस तरीके से, ठीक है, और फिर हिंज है तो ये ऐसे एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में हाफ रोटेशन तक ये एंटर करती रहेगी, ठीक है ना, हाफ रोटेशन तक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है, उसके बाद नेक्स्ट हाफ रोटेशन में बाहर निकलेगी। तब आपको समझ में आ रहा है फील्ड इससे कम होने लग गया, तो सीधी सी बात है पहले की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी अपोजिट बोली जाएगी, और इस तरह से एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है कॉइल, ठीक है ना। तो आपको जो d5/dt निकालना है उसकी प्रोसेस वही रहेगी कि t टाइम में इतना एंटर कर गई मान लो इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो आर्क एंटर कर गया है इसमें, इसका आप एरिया लिख सकते हैं क्या, जितना पार्ट एंटर करा है, जितना पार्ट एंटर करा है इसका एरिया लिख सकते हैं क्या आप, जो मैंने यहाँ दिखाया, देखिए इस चीज को, ये रहा आपका टी टाइम पर इस तरह की सिचुएशन आ रही है, ठीक है। तो आपको पता है ये अगर थीटा एंगल है तो ये आर्क का एरिया कितना होता है, 1/2 r² थीटा होता है, सबको आता है लिखना है, अगर थीटा एंगल बन रहा है, वैसे देख लो पूरा 2π होता है तो π r² एरिया है, थीटा है तो कितना होगा, वैसे देख सकते हो। तो ये एरिया कितना है अभी जो अंदर है इसके, ½ r² थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा टी टाइम पे लिखना आता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट ओमेगा से घूम रही है, ठीक है ना। तो किसी भी टी टाइम पर इसका एंगल क्या होगा इस लाइन से, वो आप लिख सकते हैं कांस्टेंट ओमेगा की वजह से, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, फाई आ गया b into a, b into ½ r² थीटा, तो ये टी टाइम पे फ्लक्स लिख दिया, आप इसको डिफरेंशिएट ऐसे, हाँ थीटा इक्वल टू ओमेगा टी करो, या आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक ही बात है, d5/dt कर दिया आपने इसको, ठीक है ना, d5/dt कर दिया आपने इसको, तो फिर क्या आ गया, br² / 2 इंटू थीटा की जगह ओमेगा इंटू, या d θ/dt को लिख दिया मैंने ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा इज इक्वल टू d θ/dt, तो यहाँ से करंट कितना आ गया आपका, b ω r² / 2 r आ गया। देखिए एक बार इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी आ गई, b ω r² / 2 r आ जाएगी, और डायरेक्शन क्या होगी, दो चक्कर का बोला है, देखो आधे चक्कर हो गया है, और फिर अगले आधे में अपोजिट हो जाएगी, तो ये टाइम समझ रहे हो कैसे लिखे हैं मैंने, आधे चक्कर का टाइम है ये, कंप्लीट रोटेशन में 2π/ω लग रहा है, तो आधे में π/ω, यहाँ पर रोटेशन कंप्लीट हुआ, फिर अगला रोटेशन शुरू हुआ 3π/ω तक, ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा, 4π/ω आ जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी, तो 4π/ω मतलब क्या है, 2 कंप्लीट रोटेशन, 5π/ω आधा, फिर आधा 2π/ω, फिर 3π/ω, तो इस तरह का प्लॉट आ जाएगा ईएमएफ का विद टाइम, जब तक एंटर कर रहा है तब तक कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, वो वेरिएबल होगा तो ये भी वेरिएबल होगा, ठीक है। तो सबको बात क्लियर है क्या बेटा, देखो डाउट तो नहीं है किसी को भी इस क्वेश्चन में, आकाश आपको देखो समझ में आ रहा है बेटा, या ओके गुड गुड, चलो ये क्लियर है आपको इसका मतलब, ईएमआई वाली बात, ठीक है। हाँ तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा